नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर के गुलमुरी चर्च के पास सड़क दुर्घटना में युवक की गई जान, हेलमेट नहीं पहनने से सर में लगी चोट। आदित्यपुर पुलिस ने अपराधी भट्टा लोहार को किया गिरफ्तार, एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद। होली को लेकर प्लास के फूलों का बड़ा क्रेज, प्राकृतिक रंगों की हुई मांग तेज। और जमशेदपुर के बारडी की युवती ने जीजा के डांट से नाराज होकर किया आत्मदाह का प्रयास, एमजीएम में भर्ती। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर गुलमोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चर्च के पास एक बाइक सवार व्यक्ति हाइवा की चपेट में आ गया। हाइवा की चपेट में आने से व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई। हाइवा टक्कर मारने के बाद भागना चाह रहा था, मगर इस समय ट्रैफिक की भीड़ के कारण लोगों ने हाइवा और हाइवा के ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दुर्घटना के कारण सड़क पर जाम लग गया, जिसे बाद में ट्रैफिक पुलिस ने जाम हटाया। मृतक की पहचान देवाशीष घोष के रूप में हुई, जो जुस्को के कंसर्निंग कार्यालय गोलमुरी जा रहा था, उसी समय यह घटना घटी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर पुलिस ने आपराधिक घटना को अंजाम देने से पूर्व कुख्यात अपराधी भट्टा लोहार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के गिरफ्त में आया अपराधी भट्टा लोहार कई मामलों का वांछित है और हाल ही में कुछ दिनों पूर्व जेल से छूट कर आया है। इस बीच शनिवार सुबह पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि अपराधी भट्टा लोहार किसी अपराधी घटना को अंजाम देने की फिराक में लगा है, साथ ही विगत कई दिनों से क्षेत्र में सक्रिय है। इस बीच थाना प्रभारी विजय सिंह के निर्देश पर टीम गठित कर इसे सालडी बस्ती स्थित मंटू मैदान से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इसके पास से एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा गोली भी बरामद किया है। इधर कुख्यात अपराधी के गिरफ्तारी के बाद पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। पहले भी आम से कई घटनाओं में जेल जा चुका है और दशहरा के टाइम में परमानेंट वारंट निगा था, उसमें हम लोगों ने जेल भेजा था। दिसंबर महीना में जेल से बाहर आया था, लगातार सूचना मिल रहा था कि कुछ पुराना दुश्मनी की बात को लेकर कुछ अपने दुश्मनों पर ये घात लगाकर हमला कर सकता है या वो कार्रवाई कर सकता है, इसीलिए हम लोगों ने इस पर आदमी लगा रखा था। सूचना मिली तो हम लोगों ने सूचना के आधार पर उसको गिरफ्तार किया, उसके पास हथियार मिला है और तत्काल उस पर कार्रवाई करना। इधर जीजा की डांट से नाराज नवी कक्षा की छात्रा किरोसिन तेल शरीर पर डालकर माचिस लगाकर गंभीर रूप से जल गई। इधर गंभीर रूप से जली छात्रा प्रिया की सहेली डॉली ने हादसे के कारणों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बारेड़ी की रहने वाली प्रिया अपने घर के सामने पड़ोस के युवक से बातचीत कर रही थी। इससे नाराज जीजा सचिन ने साली को डांट पिलाई। जीजा की डांट से नाराज नवी कक्षा की छात्रा प्रिया शनिवार को घर में शरीर पर किरोसिन तेल डालकर माचिस मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। छात्रा 90% जल गई है। बाद में गंभीर रूप से जली प्रिया को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल के बर्निंग वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां वो जीवन और मौत से संघर्ष कर रही है। उनका जीजा का साथ थोड़ा सा बोला बोली हो गया ना, बस मारपीट हो गया उसी में। कहां? उन जीजा जी के घर के पास। क्या नाम है जीजा जी का? सचिन। क्या करते हो? लाइक करती है ना, तो बस उसी से गली में मतलब बात की, तो उसी में कोई ये लाइक करती है किसी को नहीं, वो लड़का थे उनको डांटी है कि हम तुमसे नहीं करते, तो बस कोई अगल बगल देख के उसको बोला ऐसा जीजा को उसका, तो बस उसका जीजा इसको मारने लग गया। तो इसका ये किसी से लाइक वाइक नहीं करती है, वो लड़का उसको जबरदस्ती कर रहा है। तो कहाँ कौन है, क्या नाम है लड़का का? नहीं पता मेरे को। कहाँ का रहने वाला? नहीं पता ही। नहीं करती है लड़का जबरन इसके साथ बन ये करता है? नहीं पता मेरे को ये सब मतलब। और होली रंगों का त्योहार है। रंगों के इस त्योहार में सिंदूरी लाल पलाश के फूल का जिक्र ना हो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि लंबे समय से इसके फूलों का प्रयोग रंग बनाने के लिए किया जाता है। इन रंगों का प्रयोग होली खेलने के लिए किया जाता है। वर्तमान में कृत्रिम रासायनिक रंगों की सुलभता ने भले ही लोगों को प्रकृति से दूर कर दिया हो, लेकिन रासायनिक रंगों से होने वाले नुकसान और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के कारण लोग दोबारा प्रकृति की ओर रुख करते पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंगों के लिए करने लगे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पलाश के फूल के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। हम लोग होली में इस फूल के रंग से होली खेलते थे।
देखिए जो प्लास का फूल है ये होली से कुछ दिनों पहले से ही शुरू हो जाता है खिलना, और जैसे ही चारों ओर खिलता है बहुत ही नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है, चारों ओर लाल लाल देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही खूबसूरत है। और झारखंड सरकार की तरफ से इसे राज्य पुष्प का घोषणा भी कर चुका गया है। और पहले जब लोग हम लोग छोटे थे उस समय ये फूल का रंग भी हम लोग बनाते थे, जो कि पिचकारी में भर के लोगों को हम लोग रंग देते थे। इस तरह के प्लास के फूल का बहुत ही महत्व है। वहीं जमशेदपुर में स्काउट एंड गाइड के द्वारा वार्षिक बैठक का आयोजन कर भावी कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया, जहां बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष बुलुरानी सिंह मौजूद थे। सांची स्थित स्काउट एंड गाइड कार्यालय में वार्षिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन जिला परिषद अध्यक्ष बुलुरानी सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जहाँ स्काउट एंड गाइड जमशेदपुर शाखा के सभी सदस्य मौजूद थे। वही बैठक में भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा विचार विमर्श कर तय की गई, जहां मीडिया से बात करते हुए जिला संगठन आयुक्त नरेश कुमार ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र का वितरण किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था, जिसके वितरण को लेकर बैठक में विचार विमर्श किया गया। वहीं स्काउट एंड गाइड में एडवेंचर को भी जोड़ा गया है, जिसके बाद एडवेंचर के कई कार्यक्रम संस्था द्वारा आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों के स्थल एवं विभिन्न स्कूलों के भागीदारी को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। आज डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड काउंसिल की बैठक की जा रही है। आज इस बैठक की अध्यक्षता काउंसिल की श्री बुलुरानी सिंह है, और करकानी के बैठक की अध्यक्षता श्री प्रकाश कुमार खेमानी है। मैं राज्य पुरस्कार जो बीते 10 वर्षों से प्रमाण पत्र के वितरण नहीं की गई थी, वो वितरण की बातें की गई, और एक विधिवत कार्यक्रम करके गवर्नमेंट मैडम के द्वारा एक सर्टिफिकेट वितरण की जा रही है। जो हमारा साल भर का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के बारे में बातचीत हो रही है, और विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का, जिस तरह के एडवेंचर कार्यक्रम को इसमें नया ऐड किया गया स्काउट एंड गाइड्स के रूप में। और इस कार्यक्रम में हमारा 2-3 जो हमारा हॉल है, ये हॉल को हम लोग कैसे भाड़ा में दें और हमारा कार्यक्रम हमारा स्काउट एंड गाइडिंग में कैसे सुचारू रूप से चले, इसके बारे में बातचीत हो रही है। साथ ही जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित जिला मुख्यालय में चुनावी तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इसमें जिले के SSP अनुभिरथरे, ग्रामीण SP सहित RAF के कमांडेंट एवं MGM के अधीक्षक मौजूद थे, जहां बैठक में चुनाव के दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को स्वास्थ्य सेवा कैसे पहुँचाई जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। जहां संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए अमित कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर बैठकों का दौर जारी है, जहां हम चुनाव से पहले ही सारी तैयारियां कर रहे हैं। उसी कड़ी में चुनाव के दौरान कई अन्य जिलों से पुलिस फोर्स को भेजा जाएगा एवं अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात रहेंगे, जिनके स्वास्थ्य को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर जवानों का इलाज ग्रामीण क्षेत्र में भी किया जा सके। आज जो है वो जिला स्तर पे चुनाव को देखते हुए डिटेल मेडिकल प्लान प्रिपेयर करने के लिए बैठक आहूत की गई थी, जिसमें वरीय आरक्षी अधीक्षक, विभिन्न सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के कमांडेंट और सिविल सर्जन भी जो है वो मौजूद थे। इन सब से डिस्कशन के बाद कैसे हम जो हमारे जवान आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से कोई बीमार ना पड़े, इसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, उनको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जो है वो दिया जाए, ताकि किसी तरह का कोई मलेरिया का प्रकोप ना हो, विभिन्न तरह के जो जल स्रोत हैं वो बिल्कुल कंटेमिनेटेड ना रहे, और आवश्यक परिस्थितियों में कैसे हम स्वास्थ्य सुविधाएँ और विभिन्न तरह के जो तात्कालिक सुविधाएँ वो उनको मुहैया करा सकें, इसके लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए इस बैठक को आयोजित। और जमशेदपुर ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जहां शहर के 120 बॉक्सर शामिल हुए हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक देखने को मिल रही है, जहां बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। बिष्टुपुर स्थित दोराबजी टाटा पार्क के समीप टाटा स्टील अर्बन सर्विसेस और झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा 3 दिवसीय जमशेदपुर ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर में संचालित 6 क्लब के 120 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं। वहीं संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के सचिव JC व्यास ने कहा कि बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, ताकि नए बॉक्सर को एक मंच मिल सके, जहां हम इस टूर्नामेंट के माध्यम से स्टेट चैंपियनशिप के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला टीम का चयन किया जाएगा, जहां इस टूर्नामेंट में महिला खिलाड़ियों की संख्या अधिक होना ही हमारी सफलता को दर्शा रहा है, जिसमें हमें टाटा स्टील का सहयोग प्राप्त है। Yeah.
बॉक्सिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सिंग टूर्नामेंट होना जरूरी है और बस्ती और झारखंड के जितने डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर नए बॉक्सर को पैदा करने के लिए एसोसिएशन को और कॉर्पोरेट जगत को फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा, तब झारखंड में बॉक्सिंग आगे बढ़ेगा। ये टूर्नामेंट का यही मकसद है, लेकिन साल में जितनी ज़्यादा टूर्नामेंट होगी उतने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और उतने बच्चे नए निकलेंगे जो झारखंड का नाम रहा सकता है। इसमें 120 बच्चे हैं, 6 यूनिट है और 2 रोज में हम लोग को 66 बाउट पूरा करना है। आज सुबह होगा और दोपहर को 3:30 बजे से लेकर रात का 10 बजे तक चलेगा, कल फाइनल होगा, उसमें 19 बाउट है। इधर MGM अस्पताल की अनुबंध पर बहाल नर्स सम्मानजनक वेतन की मांग के समर्थन में हड़ताल पर चली गई है। हड़ताल पर जाने वाली नर्स का कहना है कि वे लोग 24 घंटे सेवा देती हैं, परंतु जब वे लोग खुद स्वस्थ नहीं रहेंगी, भरपेट खाना नहीं मिलेगा, तो वे लोग कैसे सेवा दे सकती हैं। हड़ताली एक नर्स ने बताया कि मार्च महीने में 7,953 रुपए वेतन मिला है। उन्होंने कहा कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। दूसरी ओर बताया जाता है कि 200 अनुबंधित नर्स के हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। और हम लोग हड़ताल इसलिए किए हैं ना, क्योंकि हम लोग को सही सैलरी उचित वेतन मान जो होता है वो नहीं दिया जा रहा है। जी, हम लोग की संख्या करीब 226 है, शायद और बढ़ भी सकती है। ठीक है, क्या मांग है आपको? हमारी मांग सबसे पहले ये है कि हमें हमारे काम के हिसाब से उचित वेतन मान दिया जाए। जिस हिसाब से हम काम करते हैं, रात दिन जग करके काम करते हैं, हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल में शिफ्ट काम होता है, रात पूरी रात जग के काम करते हैं, उसके बाद अगर सरकार हमें ऐसा वेतन देती है तो हम कैसे काम करेंगे? सेवा करने के लिए पहले खुद भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी, और इतनी सैलरी इतनी वेतन में तो हम लोग अच्छे से खा नहीं सकते। जब खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो किसी और की सेवा कैसे कर सकते हैं। उधर छोटा गोविंदपुर शीश नगर में पानी सप्लाई का कनेक्शन लगाने को मना करने पर पड़ोसी ने बाप बेटा की पिटाई कर दी। मामले के संबंध में सरोज कुमार शर्मा ने बताया कि मुखिया और स्थानीय लोगों द्वारा मना करने के बावजूद पड़ोसी पानी सप्लाई का कनेक्शन लगा रहा था। विरोध करने पर पड़ोसी ने पिता और उसकी पिटाई कर दी। पड़ोसी मारे हैं और ये पानी का कनेक्शन के लिए ही हो रहा था। हमने बोला कि सभी से राय मशवरा कर लीजिए, हम बुलाने गए तब तक पिताजी को गिरा के मारने लगे। किस चीज़ का पानी था? वो सप्लाई पानी सरकारी? हाँ, सरकारी था। तो इन लोग पैसे दे के लगवाने के लिए पूरा मुखिया भी मना कर दिया इस काम को, और जिला परिषद भी मना कर दी कि नहीं काम करवाना है, फिर भी इन लोग पैसा दे के हम करवाएंगे और उस पर हाथ छोड़ दिया। मेरे को भी मारा, मेरे पिताजी को भी मारा है, आँख में पूरा एकदम। बिजकिशोर सिंह करीब उनके पूरे फैमिली मारे हैं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। हैं? अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। डिमना रोड कलिका नगर में PCC सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो सांसद और नगर विकास विभाग के संयुक्त रूप से हो रहा है। वैसे इस पर संशय है कि ये किस विभाग से पास हुआ है। ये सड़क का ढलाई का काम रात्रि के 10 बजे के बाद हो रहा है, जबकि बरसात हुई है। सड़क का निर्माण किस आधार पर और किसके आदेश पर रात्रि को हो रहा है, जबकि ना निगरानी ना अभियंता थे, फिर भी रात्रि के समय किसके आदेश पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो कि लेबर लॉ के भी खिलाफ है। रात्रि में महिलाओं के द्वारा भी कार्य किया जा रहा है, जो ठेकेदार की मनमानी को दर्शा रहा है। साफ मालूम चलता है सड़क को देख कर कि थूक पॉलिश हो रही है, जिसका प्रमाण भी सिटी न्यूज के पास उपलब्ध है। अब देखना यह है कि क्या ठेकेदार के ऊपर जिला प्रशासन या विभाग के द्वारा या लेबर विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई होती है, या सभी की मिलीभगत से ठेकेदार का वारा न्यारा ही प्रशासन करने पर लगा है।
अच्छा घर में सुन रहा हूँ, फोन आ गया मेरे पर ही डबल फोन पास हुआ, यही रोड है ना यार की बात है। तो ठेकेदार से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि ये सांसद निधि का फंड है और करीब करीब 5 लाख रुपए का फंड है जो काली मंदिर से लेकर के बीएन सिंह जी के घर के पास तक का ही है। इसके बाद सप्तऋषि करके कोई कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ से लेकर के मेन रोड तक उसका काम है जो आरईओ विभाग से। तो दो विभाग से पास हुआ है, तो पता नहीं किस विभाग से पास हुआ है, एक तो ग्रामीण विभाग से पास हुआ है और विधायक ने सांसद निधि से। तो विधायक से भी पास हुआ है, तो ये नहीं पता चल रहा है कि रात में आखिर काम करने का क्या मतलब है कि रात में मट्टी डाल के ऊपर से थूक पॉलिश किया जा रहा है, तो आखिर कहें किया जा रहा है, इसका मतलब कि केंद्र सरकार को बदनाम किया जा रहा है। उधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में ऑनलाइन फैक्ट्री लाइसेंस निर्माण को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में मुख्य कारखाना निरीक्षक की अध्यक्षता में ऑनलाइन फैक्ट्री लाइसेंस निर्माण को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। साथ ही इस मौके पर ऑनलाइन फैक्ट्री लाइसेंस निर्माण और लाइसेंस निर्माण में आने वाली परेशानियों से निजात दिलाने संबंधित जानकारियां उद्यमियों को प्रदान की गई। इस मौके पर रांची से सिंगल विंडो सिस्टम के विशेषज्ञों द्वारा आसानी से ऑनलाइन फैक्ट्री लाइसेंस निर्माण कराने अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में एशिया के सदस्य और उद्यमी मौजूद रहे। सलाह हमारा ये भी है कि एशिया जो केंद्र सरकार ने जो राज्य सरकार ने जो बिजनेस के तहत जिसमें कि हम लोग 2015 से लगातार झारखंड का श्रम विभाग लगातार प्रथम स्थान पर आ रहा है, तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि इस प्रथम स्थान को मेंटेन रखें आगे भी 2019 में भी 2020 में भी। तो उसके लिए फैक्ट्री ओनर्स का उनके रिप्रेजेंटेटिव का सजेशन लेना बहुत आवश्यक है ताकि अगर उनको कहीं भी कोई कमी हो तो उसमें हम सुधार करें। अगर हमारा जो सिस्टम है प्रोसेस ऑफ वर्क है सॉफ्टवेयर में कहीं कोई कमी है, जैसे एक बताया लोग कि अपलोड करने में सिंगल हम लोगों ने पहले इसको जैप आईटी से हर डिपार्टमेंट अलग अलग करा रहा था। साथ ही डीसी कार्यालय परिसर में मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत डीसी एसएसपी ने हस्ताक्षर कर किया। इधर डीसी अमित कुमार ने बताया कि 12 मई को लोकसभा चुनाव के होने वाले मतदान प्रतिशत बढ़े, इसे ध्यान में रखकर व्यापक जागरूकता अभियान जिले में चलाए जा रहे हैं। वहीं एसएसपी अनुबिर्थरे ने कहा कि युवा मतदाताओं के बीच मतदाता अधिकार का प्रयोग करने की भावना पैदा हो, इस उद्देश्य से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है और इसमें नागरिकों से अपील की जा रही है कि वो निश्चित रूप से 12 मई को होने वाले चुनाव में जो है वो मताधिकार का प्रयोग करें और इसके लिए व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम के तहत जिले में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसी में हस्ताक्षर अभियान भी एक है। मैं आम लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि वे इस हस्ताक्षर अभियान में जो है वो भागीदार बने और मतदान के लिए जो संकल्प है वो लें कि 12 मई को हम मतदान करने से न चूके उसमें निश्चित रूप से अपनी भागीदारी जो होनी है। पूर में वोटिंग होनी है, उसके लिए एक व्यापक मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें विभिन्न स्टेप्स लिए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा, जिसमें सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और इसमें आज हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। डीसी ईस्ट सिंहभूम यहाँ थे, हम लोग थे, हमारे पुलिस के और भी ऑफिसर्स हैं। एक एक्चुअली मैसेज देने के लिए खासतौर पर यूथ को कि किस तरीके से वोट करना हमारी ड्यूटी है और हम लोग इसमें सामने आए और अगर हम वोट करेंगे तभी एक अच्छे प्रजातंत्र का निर्माण हो सकेगा, इसमें हम लोग सब साथ हैं। और कदमा शास्त्री नगर से लापता दो लड़कियों का मामला सिटी एसपी तक पहुंचा। बताया जाता है कि दो लड़कियां पिछले कई दिनों से लापता हैं, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इधर मोहल्ले की महिलाएं लापता दोनों लड़कियों की बरामदगी को लेकर सिटी एसपी से मिली। स्थानीय महिला रोशन आरा ने बताया कि शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 में रहने वाली एक महिला के घर दोनों लड़की गई थी जहां से गुम हो गई। उन्होंने जानकारी दी कि कदमा पुलिस थाना में महिला से पूछताछ कर रही है। हम लोग कदमा शास्त्री नगर 2 नंबर ब्लॉक जो लेडीज है, एक लेडीज है 3 नंबर ब्लॉक में रहती है, हम लोग 2 नंबर शास्त्री नगर 2 नंबर ब्लॉक में रहते हैं। रहा बात वो जो लेडीज है पहले झाड़ू पोछा काम करती थी, करने के बाद में अब बस्ती की लेडीज है तो
तो घर आ रही है तो जाना पहचाना लेडीज से तो कोई मना नहीं करेगा। बहुत ऐसे लेडीज को मतलब में घर में आती है उल्टा सीधा चढ़ाती है तो वो चीज़ को हम लोग मतलब मुंह बांध के जाती है और मुंह बांध के आती है लेडीज। एक दिन दो जेंट्स के साथ में वो आई मतलब हम पहचाने नहीं, जैसे मतलब बाहरी का कोई जेंट्स था तो हम उससे पूछे भाई आप यहाँ किस काम पे आए, सुनिए ना। उसके बाद में वो सबिया बोल के लेडीज है उनके पहले जब वहाँ पर पूछपाछ हुआ इसके जाने के बाद जो लेडीज है तो हम उसको पूछे जो तुम यहाँ पे आती है तो किस बात में आती है। वही भुयाडी चंडीनगर में पत्नी से विवाद होने पर पति ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या करने का कोशिश किया, उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर पड़ोस में रहने वाली महिला ने बताया कि शनिवार को किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया, गुस्से में पति ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। बाद में इलाज के लिए परिवार वालों ने को एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया। उसी समय तुरंत आप लोग देख लिए? देख लिया था, उतार के उसको ले आया। अच्छा, तो ऐसा कभी मतलब आपको लगा ना कुछ पत्नी? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, घर में ऐसा कोई टेंशन नहीं। उधर टेंशन नहीं, क्या करता थे? सिविल में काम करते, सिविल में ठेकेदारी में। शराबा पीछे करता है? आज कुछ ज्यादा हो गया था? ज्यादा किए हुए देख रहे नहीं उसका हालत। वाइफ से भी झगड़ा हो गया था? नहीं नहीं, वाइफ से कुछ पीने के लिए झगड़ा होते रहता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आज कुछ नहीं, घर में छाकर लेके आके बना के लोगों सब खाया पिया। साथ ही होली के दिन शराब पीकर बाहर में हुड़दंग करने वालों की होली थानों की हाजत में बीतेगी। सिटी एसपी प्रभात कुमार ने शहरवासियों को अपनी ओर से शुभकामना देते हुए कहा कि वे ऐसा कुछ ना करें कि होली खराब हो। उन्होंने कहा कि पुलिस होली पर्व के लिए पूरी तरह तैयार है, इसके लिए सोमवार को केंद्रीय शांति समिति की बैठक रखी गई है। उन्होंने जानकारी दी कि शहर में जिन स्थानों पर होलिका दहन होगी वहां पुलिस मौजूद रहेगी, पुलिस पेट्रोलिंग शहर में रहेगी, किसी को कोई समस्या हो तो 100 नंबर पर डायल कर पुलिस को सूचित करें। सिटी एसपी ने कहा शराबियों और हुड़दंगियों को नहीं बख्शा जाएगा। सभी शहरवासियों को आगामी होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी लोग अच्छे से होली मनाएं। होली है रंगों का त्यौहार है, खुशी का पर्व है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे ये रंग में भंग हो जाए और आपकी खुशी खराब हो जाए। जमशेदपुर पुलिस हमेशा की तरह हर पर्व की तरह इसमें हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। खास करके यंगस्टर से मेरी अपील रहेगी कि नशे के हालत में आप बाहर जा करके रोड पर जा करके स्टंट ड्राइविंग करना या हुड़दंग करना, ये सब कहीं से कोई परमिसिबल नहीं है। अगर अपने मौज के चक्कर में या अपने जोश के चक्कर में किसी दूसरे का कोई होली बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो जमशेदपुर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और मैं आपको बता देता हूँ कि फिर उन लोगों की होली मैं थाने में मनवाऊंगा। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित 5 थाना क्षेत्र में नक्सली आकाश दस्ता अभी भी सक्रिय है। ये जानकारी देते हुए एसएसपी अनुप बिरथरे ने बताया कि अभी भी पटमदा, बोड़ाम, एमजीएम, घाटशिला और गालोडी थाना क्षेत्र नक्सल प्रभावित चिन्हित है। 15 लाख का इनामी आकाश इन क्षेत्रों में सक्रिय है। ये नक्सली हर चुनावों में चुनौती बना रहता है, लेकिन प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है ताकि नक्सली किसी भी प्रकार से चुनाव बाधित नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि सभी संवेदनशील व अति संवेदनशील बूथों की पहचान की गई है, इसके अलावा सीआरपीएफ की अतिरिक्त मांग भी की गई है। पिछले 6 महीने से नक्सलियों के खिलाफ प्रशासन काम कर रही है, इसी कारण नक्सली जिले में कोई घटना को अंजाम नहीं दे पा रहे, फोर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए, पूर्वी सिंहभूम जिला में नक्सल गतिविधियां अभी भी 5 थानों तक सीमित हैं, जिनमें पटमदा, बोड़ाम, एमजीएम, घाटशिला और गालोडी थाने हैं। ये नक्सली चुनाव के लिए हमेशा चुनौती बनते हैं। हम लोगों ने विशेष तैयारियां की हैं जिससे कि नक्सली किसी भी प्रकार से इलेक्शन को कतई डिस्टर्ब ना कर पाएँ, उसके लिए हम लोगों ने विशेष तैयारियां की हैं। कौन कौन से बूथ हैं जो संवेदनशील और अति संवेदनशील है उनकी पहचान हम लोगों ने की है। इसके अलावा हम लोगों ने सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनी बल की मांग की है, 4 कंपनी हमारे यहाँ पर हैं और अतिरिक्त बल की मांग की गई है। लगातार हम लोग पिछले 6 महीने से ऑपरेशन नक्सलियों के अगेंस्ट में चला रहे हैं, यही कारण है कि पिछले 1 वर्ष से इन्होंने कोई घटना यहाँ नहीं कर पाई है। जो रास्ते हैं उनमें आईडी वगैरह ना लगा पाए ये लोग, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, स्पेशल ट्रेनिंग फोर्सेस को दी जा रही है। साथ ही जमशेदपुर में इन दिनों बाइक पर सवार अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है, जहां अपराधी महिलाओं के साथ साथ सरकारी अधिकारियों को भी अपना शिकार बनाकर रफू चक्कर हो रहे हैं।
घटना सुनारी थाना अंतर्गत कदमा सुनारी लिंक रोड में देखने को मिली, जहां पर बेखौफ अपराधी बाइक पर सवार होकर स्कूटी से जा रही डॉक्टर वंदना पांड्या के पास से सोने की चैन, पर्स एवं मोबाइल छीनकर भागने लगे, जहां महिला के शोर मचाने के बाद स्थानीय लोगों एवं पुलिस को देखकर अपराधी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। वही घटना की सूचना मिलते ही कदमा एवं सुनारी पुलिस डीएसपी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, जहां अपराधी द्वारा छोड़ी गई बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए डीएसपी अरविंद कुमार ने कहा कि बाइक पर सवार अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम देकर भागने के क्रम में पुलिस की तत्परता के कारण अपराधी बाइक छोड़कर भाग गए। पुलिस बाइक को जब्त कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एयरपोर्ट रोड में छिनने की घटना घटी है, एक महिला के साथ एक अनजान व्यक्ति उसका पर्स और मोबाइल छिनते करके भाग गया है, लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण और पुलिस उस समय एक्टिव थी, पुलिस गाड़ी को देख के चोर जो है सो गाड़ी बाइक छोड़ कर भाग गया है। अब उसके बाइक से जो है सो अनुसंधान किया जा रहा है, चोर को पकड़ने का कोशिश किया जा रहा है। महिला को चोट भी लगा है सर? नहीं, चोट तो नहीं आई महिला को। क्या कितने लोग थे कुछ पता चल पाया अभी? बस एक ही व्यक्ति का होने का सूचना मिल रहा है। इधर कदमा थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सिटी एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि पिछले 14 मार्च को गोली लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। उन्होंने जानकारी दी कि पुलिस टीम ने इस कांड का उद्भेदन कर सौरभ को गिरफ्तार कर प्रयुक्त पिस्टल बरामद कर लिया। सिटी एसपी ने यह भी जानकारी दी कि कदमा पुलिस ने दो अवैध देशी शराब विक्रेता को गिरफ्तार किया है। कि कदमा थाना क्षेत्र का रहने वाला ही एक लड़का है सौरभ सासमल, जिनका अपार्टमेंट बन रहा है, वो सपना अपार्टमेंट करके वो कदमा थाना क्षेत्र में बना रहे हैं। उसी में ये लड़का जो इंजर्ड है रवि हेम्ब्रम, वो पेंटिंग का काम करता था, तो इसी में आपस में ही बंदूक दिखाने के चक्कर में और मजाक मजाक में जो फायर हो गई थी, उसमें रवि हेम्ब्रम नाम के जो पेंटिंग का काम करता है उसके बाँह में गोली लगी थी, और उसके बाद उन्हीं के द्वारा उनके दोस्तों के द्वारा उसको इलाज के लिए EMS लाया गया था, और अभी वो डेंजर से बाहर है, कहीं कोई खतरा नहीं है, अभी स्वस्थ है। और हम लोग सौरभ सासमल को पूछताछ के बाद उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया, इसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। कदमा थाना क्षेत्र में दो ऐसे युवक पकड़े गए हैं जो निरंतर रूप से अलीपुर से अवैध शराब की ढुलाई करके और शहर के क्षेत्रों में सप्लाई करते हैं कॉलोनियों में, जिसमें ये जो दो युवक पकड़ाए हैं इनका मुख्य क्षेत्र था कदमा थाना क्षेत्र के कॉलोनी में। जो युवक पकड़ाए हैं दोनों अलीपुर के रहने वाले हैं, और इनके पास से क्योंकि आज ये लोग सुबह सुबह ही फर्स्ट ट्रिप ही आ रहे थे उसमें पकड़ा गए, तो इनके पास से 40 लीटर की लगभग अवैध शराब की बरामदगी हुई है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के गुलमुरी चर्च के पास सड़क दुर्घटना में युवक की गई जान, हेलमेट नहीं पहनने से सर में लगी चोट। आदित्यपुर पुलिस ने अपराधी भट्टा लोहार को किया गिरफ्तार, एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद। होली को लेकर प्लास के फूलों का बड़ा क्रेज, प्राकृतिक रंगों की हुई मांग तेज। और जमशेदपुर के बारडी की युवती ने जीजा के डांट से नाराज होकर किया आत्मदाह का प्रयास, MGM में भर्ती। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।